Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो आज आपके साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था, या कहिए आपके साइंस वाले पोर्शन में बेसिकली आज हमें पढ़ना था, क्योंकि कल हमने साइंस को ख़त्म किया था. तो अभी हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चलाएंगे, सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए, साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर सपोर्ट भी मिल जाए. क्लियर? तो चलिए, आज साइंस के एमसीक्यूज का दिन है कि भाई साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे. तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग एच के अमान, वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ विक्रम, इसी में आपके प्लांट टिश्यू का भी जो वो है क्वेश्चंस वो ऐड होंगे, डोंट वरी अबाउट इट. मैं ऑल ओवर साइंस के एमसीक्यू आज कराने वाली हूँ. ओके चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल. सभी लोग आ गए हैं और हम लोग स्टार्ट करते अपने सेशन को. राइट, स्टार्ट करें. हाँ या ना, जल्दी से मेंशन कर दीजिए. जल्दी से मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में. नो मैम, अमित यादव कह रहे हैं नो मैम. वेरी गुड अमित यादव, तो तुम क्यों हो यहाँ? टिनटिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके चलिए, सभी लोग ये आ रहे हैं. गौतम कुमार, अजीत शर्मा, अमित यादव फिर से नो कह रहे हैं. अमित यादव भाग जाओ. ठीक है सुमित, वेरी गुड. ओके ठीक है गंगाधर जी, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन. And your first question is, which tissue provide support to plant and also store food? आपका कौन सा ऊतक, PDF ऋषभ PDF नहीं मिल पाएगा, आपका कौन सा ऊतक पौधों को समर्थन प्रदान करता है और भोजन का भंडारण भी करता है? आंसर करिएगा. गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कर दीजिए जल्दी से. फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, जाइलम ऑप्शन आ रहा है. ठीक है फिर से सुन लो जरा, कौन सा ऊतक पौधों को समर्थन करता है? क्या जाइलम समर्थन करता है? डू यू थिंक सो? धीरज कुमार, अभिषेक कुमार, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है अमित, ओके. दीपक कुमार फर्स्ट कह रहे हैं, ठीक है. टिनटिन फोर्थ कह रही है, ठीक है. सुनीराव
डी यानी कि फोर्ट बामास्वाती फोर्ट, ठीक है, गंगाधर जी, ओके, यशस्वी गुप्ता ए, ओके. तो करेक्ट आंसर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए. आपकी जो पैरेन्काइमा होती है वो पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. आपकी जो पैरेन्काइमा है वो पैरेन्काइमा पौधों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपके टिश्यू को. मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा स्टोर्ड प्रोटीन स्टार्च एंड ऑल आपकी सबसे पहली लेयरिंग में बताया था, राइट. तो पैरेन्काइमा को ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है. कॉलेनकाइमा आपकी इलोंगेटेड सेल होती है जो कि रेगुलर होती है, काफ़ी थिक होती हैं, और स्ट्रक्चर और सपोर्ट आपकी कॉलेनकाइमा भी एक तरह से प्रोवाइड करती है, लेकिन स्टोरेज का काम कॉलेनकाइमा दरअसल नहीं करती है, इसलिए हम इसको आंसर में नहीं लेंगे. क्लियर. स्क्लेरेनकाइमा आपके एक स्ट्रेथनिंग टिश्यू होता है प्लांट में जो कि थिक वॉल, मोटी दीवार को बनाने का काम करता है. क्लियर. तो सारी चीजों को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया. वेल, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट इन ह्यूमन बॉडी इज, आपके मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है. नहीं अमित यादव, तुम्हारा आंसर बहुत देर में आया था, वो भी फोर्थ आया था, है ना. झूठ नहीं बोलते, गलत बात, सुबह सुबह से झूठ बोल रहे हो तुम. चलिए आंसर करिएगा जल्दी से. हाँ यशस्वी, राइट, जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है. आंसर करिए, प्रोस्टेट मानव शरीर में बेसिकली क्या होता है, एक ओके ग्लैंड होती है, ठीक है, कुछ लोग ग्लैंड कह रहे हैं. और ग्लैंड ही आंसर आ रहा है. अच्छा, कुछ लोग मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, ठीक है, ओके. अमित यादव फिर भी कह रहे हैं, ठीक है. क्या हुआ संजू जी, हंस क्यों रहे हैं? ओके, तो करेक्ट आंसर कर देती हूं. और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ना डी है ना ए है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है. आपकी जो ग्लैंड है यानी कि जो ग्रंथि है वो ग्रंथि एक तरह से आपके मानव शरीर में एक प्रोस्टेट के रूप में काम करती है, ठीक है. तो प्रोस्टेट जो है वो एक ग्रंथि है, साथ ही साथ इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और बेसिकली ओके क्लियर है. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस विच डैमेज द ब्रेन ऑफ द फीटस, ठीक है. एक जीका वायरस होता है जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है. बेसिकली वो क्या है या वो बेसिकली क्या होता है? आंसर करिएगा जीका वायरस. हाँ सही है, बिल्कुल सही है अमित, अमीन जिंदल, ठीक है. जीका वायरस भ्रूण के, ओके, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप लोगों का, ठीक है. यानी कि आप बोल रहे हो कि वो मस्कीटो बोन है, ठीक है. ए और डी आंसर आ रहा है, डी यानी कि फूड बोन है, ठीक है. बी भी आंसर आया है, धीरज कुमार बी कह रहे हैं, ठीक है. ओके, सो करेक्ट आंसर, अधिकतर ज्यादातर जो वेटेज है वो आप लोगों का ए का आ रहा है और करेक्ट आंसर भी मस्कीटो बोन है. आपका जो जीका वायरस होता है जो कि एक भ्रूण के मस्तिष्क को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, वो एक मस्कीटो जनित यानी कि मच्छर जनित चीज होती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए. ओके, तो नोट कर लीजिएगा कि मुख्य रूप से मच्छर द्वारा फैलता है और मच्छर द्वारा आपके वायरस जो है वो लाता है. चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर स्लीप इन एनिमल इज टर्म्ड एज, जानवरों की समर स्लीप की अवस्था को डैश कहा जाता है. जानवरों की समर स्लीप अवस्था को डैश कहा जाता है. आंसर करिएगा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं. कम ऑन, जल्दी आंसर करिए.
अमित यादव, तुम क्वेश्चन स्टार्ट करने पर नो नो क्यों बोल रहे थे? ओके, ए और सी का आंसर बेटे जा रहा है, ठीक है? सूरज कुमार पांडे, गौतम कुमार, स्किप, कोई बात नहीं, हर्षदा, ठीक है, ओके। काफी लोगों का करेक्ट आंसर, बहुत कम लोगों का है, दरअसल बहुत कम लोगों ने आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। मुझे लगता है 10 लोग होंगे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का, कोई बात नहीं। आपका जो समर स्लीप होती है एनिमल्स में, उस समर स्लीप को कहा जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बेसिकली समर स्लीप को कहा जाता है। आप लोग हर्बिनेशन कह रहे हैं, हर्बिनेशन होता है विंटर स्लीप। एनिमल्स में जो विंटर स्लीप होती है उसको हम हर्बिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये याद रख लेना, ठीक है? दोनों चीजें याद रख लीजिएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ओके? कोई बात नहीं, डोंट नो नो इशू, स्किप भी कर सकते हो, नो इशू। सेकेंड रमन रॉय, वेरी गुड। रंजन रॉकी, ठीक है, दीप बास, ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज टर्म्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलो बहुत दिन हो गए पड़े हुए आरबीसी और ब्लड वाला स्ट्रक्चर, तो जल्दी से बताओ कि कब्रिस्तान कोशिका का या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कमऑन गाइस, जल्दी से आंसर देखना चाहती हूँ और सारे एक से आंसर देखना चाहती हूँ। टिनटिन कोई डेंजर क्वेश्चन नहीं है, सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। नो इश्यू अंतिमा, दो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, देख लीजिएगा दोबारा वीडियो। स्प्लीन आंसर आ रहा है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज आवर एक्यूरेसी कि सभी के आंसर आ रहे हैं फर्स्ट, वेरी नाइस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कर देती हूँ, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जैसा कि आप लोग कह रहे हो, स्प्लीन यानी कि प्लीहा जो है, उस प्लीहा को आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से स्प्लीन को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन या ऑप्शन नंबर 1, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस, स्प्लीन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है आप लोग, हाँ ठीक है, ओके। और स्प्लीन को एक और नाम से भी जानते हैं, नोट कर लेना, स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्लड बैंक, इस नाम से भी स्प्लीन को जाना जाता है, ठीक है? सो नोट इट डाउन, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो रीजेनरेट। मानव शरीर का ऐसा कौन सा एकमात्र अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है या किया जा सकता है? आंसर करिएगा, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है? जिसको कि रीग्रो रीजनरेट किया जा सकता है। लिवर आंसर आ रहा है अंतिम, वेरी गुड श्रेयश्नवी, वेरी गुड कुलदीप, ओके, ठीक है, वेतरन जी, ठीक है, अंतिमा, ओके, ठीक है, निरंजन यादव थर्ड कह रहे हैं, ठीक है, चंदन कुमार थर्ड कह रहे हैं, शशांक कुमार थर्ड कह रहे हैं, जतिन ऋषु, ओके, सुमित, ठीक है, विपिन कुमार, ओके, ऑलमोस्ट लोगों का आंसर जो है वो थर्ड ही आ रहा है, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर यहाँ इस क्वेश्चन का है आपका लिवर, या कहिए यकृत। जो यकृत यानी कि जो लिवर होता है उसको, वो आपके बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसा अंग है जो फिर से रीजनरेट हो सकता है, जो फिर से पुनर्निर्वचित हो सकता है। आपकी जो लिवर होती है वो लिवर एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, यानी कि लिवर जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि होने के साथ आपकी ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को ही सिक्रीट करती है। आपके यकृत से सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो सिक्रीट होता है, दैट इज बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो यकृत से ही
निकलता है, और ये बाइल जूस जो है वो आपके चर्न फैट जो स्टमक होता है उसमें वो चीज़ों को क्लियर करता है। साथ ही साथ आपका जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साउंड मेड बाय आउल इज नोन एज, उल्लू द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनि जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। आंसर करो। आंसर करिएगा। हूट, ठीक है, यशस्वी हूट कह रही है, सेकंड ऑप्शन चूज किया है। काफी लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया है और कुछ लोग स्वैग भी कह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो करेक्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ओके वेरी नाइस, आशीष गुप्ता, रवि शर्मा, कुंदन, दीपाली, अमित, ठीक है, फैक्ट, ओके ठीक है, अजीत, ठीक है, ओके। सो करेक्ट आंसर आपके इस क्वेश्चन का हूट है, ठीक है। हूट जो होता है वो आपके आउल के द्वारा निकाले जाने वाले एक साउंड को हम हूट के नाम से नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। स्वैग आप लोग बोल रहे थे, स्वैग जो होता है वो पैरट का साउंड होता है, जो तोता जो आवाज निकालता है उसको हम लोग स्वैग कहते हैं, ठीक है। और आपके वॉर्बल क्या है, तो जो नाइटेंगल्स होती हैं, ठीक है, जो नाइटेंगल्स होती हैं वो आपके या कहिए जो आपका कोकिला जिसे हम कहते हैं ना, वो आपकी इस ध्वनि को निकालती है, जबकि क्लक्च जो है वो हैन के द्वारा निकाले जाने वाला एक साउंड है, ठीक है। तो इन सारे साउंड्स को नोट कर लेना, चार आपको साउंड यहां से मिल गए। ओके ओके, कोयल, हाँ ठीक है ठीक है, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर शार्प चिजल शेप्ड टीथ यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। डैश नुकीले छेनी के आकार के दांत हैं जो भोजन को चबाने और काटने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर। आंसर करिएगा। कैनाइन इंसिजर, मनीष कुमार इंसिजर, ओके निखिल इंसिजर कह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो फोर्थ आंसर काफी लोगों का आ रहा है और सही आंसर आ रहा है, इंसिजर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी या वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें से कौन सी धमनी या शिरा रक्त को वी ऑक्सीजन ले जाती है या अशुद्ध रक्त ले जाती है। आंसर करो। कौन सी धमनी या आर्टरी जो है वो आपका अशुद्ध रक्त ले जाती है इनमें से, जल्दी से आंसर करिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे आंसर आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग। ओके, फर्स्ट और सेकंड आंसर आ रहा है, तो क्लियर कर देते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है शायद सेकंड के वजह से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका पल्मोनरी आर्टरी है, या कहिए फुफ्फुस धमनी है। आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी आप ऐसा कह सकते हो कि इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को, मैं यहां लिख दे रही हूं, अशुद्ध रक्त को आपके हार्ट यानी कि हृदय से लंग्स की तरफ लेकर आती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जबकि पल्मोनरी वेन जो है ये पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को
शुद्ध रक्त को आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों से हृदय यानी कि हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है आपकी पल्मोनरी वेन। ठीक है, एओर्टा, एओर्टा जो है ये एओर्टा प्योर ब्लड को यानी कि शुद्ध रक्त को, उस प्योर ब्लड को आपके हार्ट से, हृदय से बॉडी पार्ट यानी कि शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बॉडी पार्ट लिखा है मेरे पीछे, ठीक है। देन आफ्टर रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी भी आपके प्योर ब्लड, यहां लिख दे रही हूं मैं, ओके, आपके प्योर ब्लड को हार्ट से आपके किडनी तक ले जाने का काम करती है रीनल आर्टरी। ठीक है, तो आई होप सो चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन आयोडीन टिंक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन टिंक्चर दवा की तैयारी के लिए किया जाता है? कम ऑन गाइस, आंसर करो, कौन सा शैवाल प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर करिएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा एमडी केजी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, मैं महिंद्रास की स्टूडेंट नहीं बल्कि महिंद्रास में फैकल्टी थी। चलिए ओके, आंसर करिएगा। सेकेंड और फर्स्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर आप ही लोगों ने दिया और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड है। लेमिनेरिया जो एल्गी होता है, लेमिनेरिया एक शैवाल का नाम है और वही शैवाल के नाम यानी कि ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन टिंक्चर लगाया जाता है। देखा होगा जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब ड्रेसिंग करते हैं तो एक येलो कलर का स्पॉट आ जाता है ना, कहीं पर भी अगर वो ड्रेसिंग करते हैं तो येलो कलर का स्पॉट दिखता है ड्रेसिंग के ऊपर, तो वही येलो कलर का स्पॉट आपका आयोडीन टिंक्चर होता है। ये आयोडीन का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एज अ एंटीसेप्टिक प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए तो ओके, ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, इनमें से कौन सा आपका स्तनधारी अंडे देने देता है, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? दीपक कुमार कमेंट देख रही हूं यार, चलो आंसर करो जल्दी से। राइट, गंगाधर प्रधान जी, इट स्मेल्स लाइक अल्कोहल। कौन सा एनिमल? ओके, तपस सिन्हा कह रहे हैं फर्स्ट और जतिन कह रहे हैं थर्ड, अमन रॉय थर्ड। ठीक है ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों ने टिक किया और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी फर्स्ट ही है। आपका जो प्लेटेप्स है वो बेसिकली आपका एक ऐसा मैमल होता है जो अंडे देने का कार्य करता है, या बेसिकली अंडे देता है मैमल होने के बावजूद भी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रोथ इनहिबिटर इन प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि कम करने या करने या कहिए वृद्धि इनहिबिट करने का एक हार्मोन है पौधों में, कौन सा हार्मोन वृद्धि नहीं होने देता पौधों में? ऑक्सिन, एब्सेसिक, इथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। ओके, आशीष गुप्ता फर्स्ट कह रहे हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है? आंसर करिएगा। ओके
ओके तो बेटा हिंदी मैंने बोल दी है, एक आध दो क्वेश्चन में नहीं थी हिंदी, चलो चलाओ इतना. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी एंड सी होगा. एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये दोनों हार्मोन पौधे में वृद्धि नहीं होने देते, या कहिए प्लांट इनहिबिटर के नाम से जाने जाते. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, टीकाकरण तकनीक का विकास किसने किया? जल्दी से आंसर करो, टीकाकरण तकनीक का विकास किसने किया? हाँ हिंदी में क्वेश्चन लिख दिए हैं शेख अहमद जी, आप हिंदी में क्वेश्चंस देख लीजिए, लिखा है अगला क्वेश्चन हिंदी में. और अगर एक आध क्वेश्चन नहीं है तो यू गाइस कैन मैनेज यार, कॉर्पोरेट नाम की भी, कॉर्पोरेशन नाम की भी कोई चीज होती है ना. ओके फर्स्ट फोर्थ आंसर आ रहा है, एडवर्ड जेनर फर्स्ट आंसर आ रहा है, ठीक है लुईस पास्टर, ठीक है करेक्ट आंसर दे देते हैं, शायद कुछ लोग कंफ्यूज है. और आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लुईस पास्टर, उन्होंने इम्यूनाइजेशन को बेसिकली सबसे पहले आपके इन्वेंट किया था, या कहिए सबसे पहले डेवलप किया था. ठीक है आपके एंथ्रेक्स उस पर ये बेसिकली किया गया था, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं. ओके सो फोर्थ नहीं बल्कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू, यानी कि डॉक्टर ईसीजी प्रयोग करते हैं किसके लिए? डिटेक्ट चेंज इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हृदय के संकुचन और फैलने के समय में जो इलेक्ट्रिक वेग या इम्पल्स आती हैं उसको देखने के लिए. एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट, एक मिनट में हृदय कितना वॉल्यूम, कितना रुधिर जो है वो पंप करता है इसको देखने के लिए. डिटरमाइन द चेंज इन द साउंड पैटर्न ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ वॉल्व, या फिर आपके हृदय में जो वॉल्व ओपन और होते हैं या जो खुलते हैं उनका साउंड डिटरमाइन करने के लिए. या कंपेयर द साउंड वेव रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय कार्डियक मसल ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ हार्ट, या फिर आपके जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है कार्डियक मसल की हृदय की पंपिंग के समय पर उसको देखने के लिए. हाँ क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन को करोगे तो काफी कुछ समझ में भी आ जाएगा, और अगर जिसको आंसर आता होगा वो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा ही नहीं. ओके सो करेक्ट आंसर दे दे रही हूं मैं इससे पहले कि तुम लोग को नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होगा. आपका जो ईसीजी है वो ईसीजी जो भी आपके हृदय में जो भी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है या रिलैक्सेशन जो भी फैलाव होता है उसको बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलती है उनको डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है. क्लियर, इसीलिए मैंने कहा था कि जिसको क्वेश्चन आता होगा वो इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेगा. ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? हिंदी लिख दे रही हूं मैं, डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन, एमिनेशन. फर्स्ट आंसर आ रहा है, फर्स्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट है. रेप्लिकेशन इज द करेक्ट आंसर. आपका डीएनए का जो सिंथेसिस है वो रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है. तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 होगा. ठीक है बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट मशरूम आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम, खमीर और मशरूम जीवों के किस वर्ग के उदाहरण है? खमीर और मशरूम जल्दी से बताइएगा किस वर्ग के उदाहरण है?
कम ऑन आंसर करिए, चाहे जो आता हो आंसर जरूर किया करो ताकि आपको पता चले, क्योंकि जब आप क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं ध्यान देते हो तो दिक्कत होती है। फंगी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, करेक्ट है आंसर आपका। ईस्ट और मशरूम जो होता है वो फंगी यानी कि कवक बेसिकली एक तरह से होता है, या कवक वर्ग को वो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो अपने भोजन को स्वयं बेसिकली उत्पादित करने में असमर्थ होते हैं, अनेबल होते हैं, वो इस तरह के कैटेगरी के अंडर रखे जाते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग ऑफ अ बैट एंड अ विंग ऑफ अ बर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश लिम्स। एक चमगादड़ का पंख और एक पक्षी का पंख डैश अंगों के उदाहरण है। अमित कुमार जी, मेरी और क्लास मिलेगी, मतलब 2 बजे एनटीपीसी की क्लास चलती है, आप 2 बजे एनटीपीसी की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं डेली कुछ अलग ही पढ़ाती हूँ, हमेशा एक नया सब्जेक्ट मैं उसमें पढ़ाती हूँ डेली, ठीक है, तो आप वो 2 बजे यूट्यूब पर मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं बस। ओके, सो करेक्ट आंसर बहुत अलग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग 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 करेक्ट बोलती हूँ, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनालोगस, ठीक है, आपके जो समरूप होते हैं वो बेसिकली इसके उदाहरण है, एनालोगस होगा, होमोजिनस नहीं होगा, ठीक है, तो बेसिकली विभिन्न संरचनाओं वाले अवयव, लेकिन लेकिन बेसिकली उनका कार्य करने का जो तरीका है वो समान होता है, एक सा होता है, उनको एनालोगस या फिर आपके समरूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइज, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। सो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और जितना डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उतनी ज्यादा नई चीजें मिलेंगी आपको, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर फॉर योर ओनली। चलिए आंसर है, क्वेश्चन है आपका, वृक्षों की छाल पर धीरे धीरे पड़ने वाले या बढ़ने वाले जो वृक्षों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले रंगीन धब्बे नामक सहजीवी जीवन रूपों के उदाहरण है। आंसर करिएगा, हाँ करेक्ट, हाँ बिल्कुल, आरआरबी जेई के लिए यूज कर सकते हैं शिवांकर। ओके, सो करेक्ट आंसर आप लोगों का आ नहीं रहा है कुछ, ओके, सो करेक्ट आंसर दे देती हूँ, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो लाइकेन है, जो आपके लाइकोन होते हैं वो अधिकतर आपके पेड़ों पे कुछ इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है, सो इसको भी आप नोट कर सकते हो कि लाइकेन वो बेसिकली एक तरह से होता है जो कि कवक और शैवाल, फंगी और एल्गी का इंटरमीडिएट होता है, उसके बीच की कड़ी होती है, उसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन इन्फेंट स्टाइल, कम ऑन, इसका क्वेश्चन तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सब देने वाले हैं, तो जल्दी से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। एक बच्चे में बेसिकली कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आंसर करिए, संजू मीना जी, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी ऑलरेडी फेसबुक पे, सॉरी टेस्ट बुक पे 2 हफ्ते से चल रही है, और वो आपकी 2 बजे से चल रही है, ठीक है, एनटीपीसी की क्लासेस आपके 2 बजे से स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पर। 300 आंसर है, वेरी गुड, करेक्ट है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 300 ही होगा, एक बच्चे में जो है वो 300 हड्डियां और एक एडल्ट में 206 हड्डियां आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटी पक्षी कौन है। कंकाल तंत्र में, मल्टीपल ऑप्शन, कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती है,
चलो तो करेक्ट आंसर आप लोग का हमिंग बर्ड आ रहा है, ठीक है? करेक्ट आंसर हमिंग बर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका सबसे छोटी पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड होता है, जिसका वेट जानते हो कितना होता है? वेट केवल 1.6 ग्राम वेट होता है हमिंग बर्ड का, ठीक है? और जो मेजरमेंट अगर करोगे तो केवल 57 मिलीमीटर इसकी लेंथ आती है, ठीक है? तो नोट कर लेना इसको. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप इज नोन एज. पानी की बूंदों के रूप में पौधों में से पानी निकलने के को किस नाम से जाना जाता है? आंसर करिएगा. जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. एक तरह से आप टॉपिक पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसीलिए जब एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम थोड़ा सा मतलब हमें लगता है कि अरे यार ये पढ़ा नहीं था. तो क्लास पढ़ने के बाद या आपको थ्योरी आपने पढ़ ली उस थ्योरी के बाद आप क्वेश्चन जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो उतना मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए. ओके सो ग्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका मैंने पहले भी कराया है तो इसको आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर. निम्नलिखित में से कौन सा फूल गोभी का खाद्य हिस्सा है? आंसर करिएगा. निम्नलिखित में से कौन सा फूल गोभी का खाद्य हिस्सा है? बने रहिए, बिल्कुल सही है. ग्यूटेशन ठीक था, राइट आंसर था. अभी आंसर करो कि फूल गोभी का कौन सा हिस्सा खाद्य हिस्सा होता है. ये जो क्लास है ये आपकी 8:30 पे डेली चलती है जीएस की क्लास, और कल से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ इस क्लास में, ठीक है? तो कल से केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा. और आरआरबी एनटीपीसी की क्लास भी आपके टेस्ट बुक पर चल रही है जो कि 2 बजे से स्टार्ट होती है. तो आप 2 बजे से आरआरबी एनटीपीसी के अगर एस्पायरेंट है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2 बजे हार्दिक आमंत्रित है, ठीक है? तो भाई आपके कॉलीफ्लावर वाला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका होगा इनफ्लोरेसेंस, ठीक है? आपका जो एडिबल पार्ट होता है कॉलीफ्लावर का वो इनफ्लोरेसेंस या कहिए जो पुष्प व्रंत होता है वो हिस्सा आपका इसमें खाया जाता है, ठीक है? तो इसको आप नोट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कवक और शैवाल निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ लाइकेन एंड मॉसेस. पिछली क्लास आपकी मेरी ये आप नॉर्मल टॉपिक के नाम से अगर मेरी क्लासेस निकालते हैं कि प्लांट टिश्यू तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे मेरी क्लासेस के. टेक्स्ट बुक के ही चैनल पर आकर के आप टॉपिक डाल दीजिए, आपको क्लासेस मिलती जाएंगी. हाँ राइट, इनफ्लोरेसेंस पैटर्न ऑफ फ्लावर होता है. ओके तो आंसर दे देती हूँ. और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बहुत अलग अलग आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टुंड्रा वन जो होते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली इसके अंडर आते हैं. तो पौधे चट्टानों पर पलने वाले जो कवक ये शैवाल होते हैं वो सूखे पर्यावरण में बढ़ते हैं, यानी कि ड्राई उसमें बढ़ते हैं, जबकि टुंड्रा क्षेत्रों में पर्यावरण नॉर्मल जो है वो आपके ड्राई और छोटे ही होते हैं. कम ऊंचाई वाले जो झाड़ी वगैरह होते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिस्मिया यानी कि समुद्री एनिमोन और पैंचुएला यानी कि सी पेन किस प्रकार के समुदाय के उदाहरण है? कम ऑन आंसर करो जल्दी से. आंसर करिएगा. नहीं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में मैं इसको रख सकती हूँ. अभी मैं प्रीवियस नहीं करा रही हूँ, जब कराऊंगी तब बताऊंगी कि ये प्रॉपर प्रीवियस है. करेंट अफेयर का टाइमिंग सुबह रहता है आपका 7:30, 7:30 का करेंट अफेयर का टाइमिंग रहता है. चलिए तो करेक्ट आंसर फर्स्ट आ रहा है और सही भी है. सीलेंट्रेटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपके सीलेंट्रेटा जिसके अंडर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रा जो है वो सीलेंट्रेटा के अंडर आता है, या फिर जो जेली फिश है वो जेली फिश भी आपकी सीलेंट्रेटा के अंडर आती है ना, और ये सी एनिमोन और सी पेन भी इसी के अंडर आता है. प्लेटी हेलमिंथीस दिया है मैंने, एग्जाम्पल बताया था. प्लेटी हेलमिंथीस का एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म
जिसे हम केचुआ कहते हैं, ठीक है, वो, या फिर फ्लैट वॉर्म, ये आपके प्लेटी हेलमिंथीस के एग्जाम्पल हो जाएंगे. एनीलिडा दिया है, एनीलिडा का एग्जाम्पल लीच होता है, लीच, ठीक है. और आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल तो तुम लोगों को पता है, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, या फिर क्रैब वगैरह हो गए, ये सब आपके इसके, या मकड़ी, केकड़ा, बिच्छू, ये सब आपके आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, कौन सा कीट भक्षी पौधा है, यानी कि आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है. मैथ्स का टाइम 10:30 का है, मेरे बाद 8:30 मेरी क्लास होती है जीएस की, देन आफ्टर 9:30 आपके रीजनिंग की क्लास होती है. ओके, दिस इज अ शेड्यूल, वेरी नाइस. और देख लीजिए आप, 7:30 से 8:15 अभिजीत सर की क्लास है, 8:30 से 9:15 तक मेरी क्लास है, 9:30 परिकल्प सर की क्लास, 10:30 विनीत सर यानी कि मैथ्स की क्लास, और 11:30 प्रतिभा मैम की क्लास. तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. और पिचर प्लांट आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, पिचर प्लांट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए, तो हियर वी कंप्लीट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस और आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में 2:00 आना बिल्कुल ना भूलें. फिर मिलेंगे कल आपके साथ केमिस्ट्री के एक टॉपिक के को लेकर. तब तक ख्याल रखिए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में आना बिल्कुल मत भूलें. प्लस शेड्यूल भी देख लीजिएगा, नॉर्मल एसएससी का भी और आरआरबी एनटीपीसी का भी. ख्याल रखिए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए. बाय गाइस, थैंक यू.